नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और हम आप तक पहुंचाएं, ये वीडियोस अच्छी हैं और इसके ऊपर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे एक बेल का ऑप्शन बना हुआ है साथ में, और बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। जी हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये हेल्थ की अवेयरनेस हम पहुंचा पाए। अब यहाँ बैठो मेरी ओके लाइव हो यहाँ बैठ सर, हम लोग लाइव हैं। मैंने आपको तीन ब्रांड लिखे, कीर्ति घी, मिल्क फूड, केशव स्मृति, करण डेयरी और पतंजलि। ये टॉप मैंने ऐसी जगह लिख दी है जहां से करोड़ों लीटर दूध। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं कि आपने पतंजलि ने घी बेचा, मान लीजिए जैसा बाबा रामदेव का ब्रांड चल रहा है, उनका नाम है, जिस तरीके का टर्नओवर वो दिखा रहे हैं, उन्होंने मान लीजिए घी बेचा, वैसे तो वो कहते हैं कि 16,000 लीटर प्रतिदिन घी बिक रहा है, चलिए 16 लाख लीटर, चलिए हम इसको 16 लाख लीटर ही मान लेते हैं। 16 लाख लीटर के लिए 25 किलो दूध में से 1 किलो घी बनता है, तो 16 लाख लीटर को जरा 25 से गुना करिए, 2 करोड़ लीटर के आसपास मुझे लगता है, नहीं सॉरी 4 करोड़ लीटर दूध की प्रतिदिन आवश्यकता अकेले पतंजलि को है। देखो 4 करोड़ लीटर दूध यदि पतंजलि लेता है तो मैं मानता हूं कि एक किसान अगर 10 किलो लीटर दूध का उत्पादन करता है, और जो रेट बाबा रामदेव घी का ले रहे हैं उस हिसाब से जो किसान को रेट मिलना चाहिए 20% मुनाफा छोड़ने के बाद, तो भी गाय का दूध का रेट 40 रुपए किलो किसान को उनके रेट के अनुसार, उस घी के रेट के अनुसार मिलता है, तो 40 रुपए किलो अगर पतंजलि ने दिया तो 400 रुपए 10 किलो दूध के उत्पादन करने वाले किसान के घर पहुंचे, और ज्यादा है तो अलग बात है, तो 10 किलो के हिसाब से हम काउंट करते हैं तो 40 लाख फार्मर को पैसा पहुंचता अकेले पतंजलि से। लेकिन क्या पतंजलि, क्या कीर्ति घी, क्या मिल्क फूड, क्या केशव स्मृति या कुछ और बहुत सारे नाम है, इसमें जनता कितनी दोषी है? सरकार को दोष देना, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, सरकार अपने ढंग से चलेंगी। एक दुख होता है, एक ऐसी बात जहन में आती है बार बार कि कितने सोए हुए नागरिक हैं हमारे देश के, मरे हुए नागरिक हैं हमारे देश के, शर्म नहीं आती देश के नागरिकों को कि टीवी पर विज्ञापन चला और हमने उस विज्ञापन को मान लिया। कभी पतंजलि के प्लांट के सामने जाकर के बैठ करके देखा क्या कि आप दूध लेकर के घी बनाते हैं या किस चीज से घी बनाते हैं? मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि पतंजलि हरिद्वार जहां पर घी बनता है वो 10 किलो दूध भी देश में से नहीं खरीदते। कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, कहां से खरीदते हैं, अगर हम उसकी बारीकी डाटा में जाएंगे तो फिर वो बताएंगे कि हमने इस प्लांट से लिया, इस कोऑपरेटिव से लिया, इस प्लांट से लिया। मैं बता देता हूं, करण डेयरी से लिया, सहा केशव स्मृति से लिया, क्राउन से लिया, और जम्मू कश्मीर के एक प्लांट से लिया, और बहुत सारी जगहों से लिया। अब हम उन प्लांटों पर चलते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने 5,000 किलो दूध खरीदा है, उदाहरण के लिए, ज्यादा भी हो सकता है, 5,000 किलो दूध यदि खरीदा है तो इन्होंने 50,000 किलो तो घी बेच दिया उस 5,000 किलो दूध में से, और वो घी कहां गया? वो बाद में वो घी पतंजलि के ब्रांड में पैक होकर के बिक गया। यानी वो घी जो पहले उनके पास था तो जहरीला था, बेकार था, लेकिन अब चूंकि वो पतंजलि के ब्रांड में आ गया तो फिर वो स्वदेशी और अमृत बन गया। तो हमें सिर्फ इतना काम करना चाहिए, किसानों को यदि खुद बचना है, जिंदा रहना है इस देश में, और इस देश के इन मिलावटखोर माफिया से लड़ना है, और बीजेपी माफिया से बचा लेगी या कांग्रेस बचा लेगी या कोई और पार्टी बचा लेगी, बिल्कुल भूल जाए, ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। जो भी कोई उन सब लोग, वो लोग ही तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, और बाकी सब कुछ तो अलग तरीके से तय होता। पर 100-100 किसान यहां बैठ जाएं और बिकाऊ मीडिया में से भी कुछ अच्छे लोग हैं कि जो देशभक्त, वास्तविक देश के लिए कुछ पत्रकार काम करते हैं, उन पत्रकारों की मुझे उम्मीद है कि जरूर सहयोग मिलेगा। 100-100 लोग बैठ जाएं यहां पर और तय कर दें कि बाबा जितना दूध आएगा उतना घी बनेगा, जितना दूध आएगा उतना घी बिकेगा। देखो अगले 72 घंटे में देश में क्या खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल साफ स्थिति देश के सामने होगी कि ये तो घी बिकना बंद हो जाएगा, घी का बाजार ही खत्म हो जाएगा जो बाजार में घी बिक रहा। तो कुल मिला के
कंप्लीट जहर बिक रहा है। और ये परामर्श से, कंसल्टेंसी से, भाईचारे से, रिक्वेस्ट से, अनुरोध से ये समस्या का हल हो जाए तो भूल जाओ। केवल और केवल आपको लड़ना पड़ेगा, तब जा करके किसान जिंदा रह सकता है और आम नागरिक देश का, किसान को छोड़ दो जो कंज्यूमर है, वो भी जिंदा रह सकता है। वैसे भी ये पुरानी कहावत है, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जिंदा रह सकेगा। धन्यवाद। कुछ सवाल